राजनीति संबंधी कई कहावता प्रचलित हैं। एक कहावत ए भी है कि राजनीति विच ना तो दोस्ती अस्थाई होंदी है अते ना ही दुश्मनी। आम तौर पर कहा जाता है कि दो अते दो चार होंदे हैं, पर राजनीति विच दो अते दो पांच भी हो सकते हैं। यह गल भी आम ही देखी जा सकती है कि राजनीतिक आगू पहला अपने निजी हित देखते हैं अते बाद विच कोई जनतक काम बारे सोचते हैं। राष्ट्रपति अहुदे लई विरोधी धिरां वल्लों बनाए गए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा वल नज़र मारी जाए तो यह गल्लां सच्चियां ही लग रही हैं। पछमी बंगाल की मुख्यमंत्री अते तृणमूल कांग्रेस की प्रधान ममता बैनर्जी के कहण ते यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चोण लई हामी तां भर दित्ती अते हुण एक तो बाद एक आगूआं वल्लों यू टर्न लैण तो बाद यशवंत सिन्हा कसूती स्थिति विच फस गए हैं। जिस तृणमूल कांग्रेस पार्टी वल्लों यशवंत सिन्हा राज्यसभा मैंबर सन, हुण उस पार्टी की मुखी ममता बैनर्जी ने भी रुख बदल लिया है अते यशवंत सिन्हा की हार स्पष्ट नज़र आ रही है। ममता बैनर्जी का कहना है कि जेकर पहला पता लग जाता कि NDA वालों द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति अहुदे लई उम्मीदवार बनाया जाना है तो उसके नाम से सहमति बन सकती सी। अजिहियां गल्लां तो साफ है कि यशवंत सिन्हा ना इधर दे रहे अते ना उधर दे, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा की मैंबरी तो भी अस्तीफा दे दिता सी। जिक्रयोग है कि NDA ने राष्ट्रपति अहुदे लई द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार ऐलानिया तो NDA को 49% वोट सन अते जित लई 50% तो वध वोटां की लोड़ है। इसनों देख के विरोधी धिरां नूं उम्मीद सी कि बीजू जनता दल अते शिवसेना वर्गे होर दलों के समर्थन नाल विरोधी धिर का उम्मीदवार जित सकदा है जां तकड़ी टक्कर दे सकदा है, पर हुण चोण मुकाबला एक तरफा हो गया है। ममता बैनर्जी के बदले रुख करके हुण यशवंत सिन्हा की सियासी किश्ती डुबदी नज़र आ रही है। ममता बैनर्जी नूं डर सता रहा है कि जेकर वह द्रौपदी मुर्मू का विरोध करेगी तो पछमी बंगाल में आदिवासी भाईचारा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि अगले साल पछमी बंगाल में पंचायत चोणा होनी हैं अते फिर 2024 में लोकसभा चोणा भी होनी हैं। ममता दार्जिलिंग का दौरा कर रही है अते अजिहे विच यशवंत सिन्हा नाल उन्हां दी मुलाकात का होना मुश्किल है। लगता है कि आने वाले समय में देखदिया ममता बैनर्जी ने अपना रुख बदलिया अते शिवसेना के मुखी उद्धव ठाकरे ने भी द्रौपदी मुर्मू की हमायत करन दा ऐलान किया है। जिक्रयोग है कि आउंदी 18 जुलाई में राष्ट्रपति अहुदे लई वोटां पैणियां हन अते इस दे नतीजे 21 जुलाई में आउणगे, पर द्रौपदी मुर्मू दा राष्ट्रपति बनना तय ही है। प्लीज सब्सक्राइब प्रवासी टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।